हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग आए हैं फुलटंकेश्वर मंदिर, जो कि मिर्जापुर में है। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, कहने के लिए फर्स्ट ब्लॉग है, बट ये सब बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं भी फर्स्ट ब्लॉग के नाम से बनाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहें, आपको आगे चल के मंदिर दिखाते हैं। दोस्तों, ये मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर आज हम आए हैं और ये काफ़ी फेमस मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। तो आज आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों इस मंदिर का, जो कि गंगा घाट के तट पे ही है। गंगा जी भी हैं और साइड में इनका महादेव जी का मंदिर है। तो आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की बहकी सभी जुबां। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, हम लोग सुरटंकेश्वर आ चुके हैं और ये रहा सामने मेन द्वार इसका। तो दोस्तों, महादेव जी का आप दर्शन करेंगे और गंगा किनारे भी जाएंगे, क्योंकि ये मंदिर जो है गंगा किनारे ही स्थित है, जो कि वाराणसी मिर्जापुर में है। तो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। यहाँ पे पूरा पेड़ पौधों से ये घिरा हुआ है और जस्ट बगल में गंगा जी भी हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, अभी दोस्तों सावन ख़त्म हुआ है तो फोटो वोटो ये देखिए, दुकानें लगी हुई हैं फूल मालाओं की यहाँ पे आप। और ये छोटी छोटी ऐसे अंदर भी मंदिरें हैं, जैसे दुर्गा जी का मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर तो स्टार्टिंग में ही है, और गणेश भगवान की मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है। अंदर भी इसके दो चार मंदिर स्थित है दोस्तों। आइए आपको अब ले चलते हैं गंगा किनारे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, अब हम लोग नीचे चल रहे हैं। और इस टाइम गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है दोस्तों, इस टाइम यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती ना। तो पहले यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी गंगा जब यहाँ पे कम हुआ करती थी, अभी तो काफ़ी जलस्तर बढ़ा हुआ है गंगा जी का। और सैलानी अभी भी यहाँ पे आते रहते हैं दोस्तों, आप यहाँ आए तो ज़रूर एक बार गंगा स्नान करके और ये महादेव जी का दर्शन करें। दोस्तों, अभी सावन ख़त्म हुआ है, कांवड़िया यहाँ पे भी जब दर्शन करने आते थे तो गंगा जल उठा के यहाँ पे नहा के और गंगा जल उठा के महादेव को शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे। तो आप ये देख सकते हैं, शाम का टाइमिंग है और ये मौसम बहुत अच्छा है, और ये हम महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ हर हर शंभु। और ये महादेव जी का वो है मूर्ति, और माता पार्वती जी का भी है, और बगल में दुर्गा जी का भी है। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों, कमेंट जरूर करें, आपको अगर बनारस का या और भी जगह का कहीं का भी वीडियो चाहिए या जिस प्रकार की वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे दोस्तों एक बार बताएँ, और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।